18 नंबर, डायगोनल्स ऑफ ट्रापीजियम पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट एट द पॉइंट ओ, पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड पी क्यू इज 3 times ऑफ आर एस, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रेंगल पी ओ क्यू एंड आर ओ एस। चलिए यहाँ पर हम लोग पहले एक ट्रापीजियम बना लेते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक ट्रापीजियम हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है, ये आपका एक ट्रापीजियम हो जाएगा। अच्छा, इसमें दिया हुआ है पी क्यू आर एस, पी क्यू जो है पैरेलल है आर एस के, एंड ये इसके डायगोनल जो है, इसके डायगोनल जो है मीट कर रहे हैं एक दूसरे को कहाँ पे, पॉइंट ओ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, और ये पी क्यू 3 times है इस आर एस का, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ पी ओ क्यू एंड आर ओ एस, इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है, पी ओ क्यू एंड आर ओ एस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, पहले गिवन देखिए क्या है, गिवन में है कि पी क्यू आर एस इज अ ट्रापीजियम, ट्रापीजियम, अच्छा पी क्यू पैरेलल टू आर एस, अच्छा फिर उसके बाद क्या दिया है कि डायगोनल, डायगोनल पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट्स, इंटरसेक्ट एट ओ, पी क्यू जो है ना 3 times है आर एस का, टू फाइंड, टू फाइंड क्या फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस, पी ओ क्यू और आर ओ एस का एरिया का रेशियो निकालना है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए अब हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर करते हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल आर ओ एस, इन दोनों को तो आप देखो ना, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू में ओ आर एस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की पेयर है। अच्छा ये भी ले लेते हैं एंगल, ये वाला इसे एंगल के इक्वल, एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू में एंगल ओ एस आर, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर है, तो दोनों ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर नहीं हो जाएगा, तो ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल आर ओ एस के, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है। तो जब ये सिमिलर हो गया तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, वी नो दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस, ठीक है, पी ओ क्यू एन आर ओ एस। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का अगर हम लोग बात करेंगे तो इस ट्रायंगल पी क्यू ले लेते हैं और उसका आर एस ले लेंगे, पी क्यू आर ओ एस है, ठीक है, और यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे आर एस का स्क्वायर, यानी हो जाएगा पी क्यू बाई आर एस का होल स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर आपके दिया हुआ है गिवन में कि पी क्यू जो है ना 3 times है आर एस का, तो पी क्यू के यहाँ पे 3 times ऑफ आर एस कर देते हैं और बाई में आर एस स्क्वायर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और बाई में 1, यानी कि 9:1 यहाँ से मिलेगा। ऐसा इसलिए हमने लिखा क्योंकि ऊपर हमारे पास ये गिवन है कि पी क्यू 3 times है आर एस का, इसलिए समझ गए, रेशियो आ गया 9:1। क्वेश्चन नंबर 19 में